गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत रोही पंचायत के जहांगीरा मध्य विद्यालय के प्रांगण में शराबबंदी कानून की समीक्षा की गई, जिसमें अनुग्रह नारायण समाज संस्थान पटना से 4 सदस्य टीम गठन कर बाराचट्टी क्षेत्र में शराब को लेकर विचार व्यक्त किए गए। इस संबंध में क्या कहा अमरेंद्र कुमार, रोही पंचायत के मुखिया विजय प्रसाद और जहांगीरा निवासी चिंता देवी ने। शराबबंदी में जो सरकार का योजना है बिल्कुल सही है। अभी जैसा बताया गया कि शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन कुछ बिचौलिया लोग हैं, माफिया लोग हैं, वो इधर उधर करते हैं, लेकिन सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है कि शराबबंदी होनी चाहिए। सरकार ने जो सर्वे कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर किस वर्ग के लोग शराब बनाने का काम कर रहे हैं, क्या कमियां हैं इसमें, कोई वर्ग वगैरह की नहीं है कि हाँ मतलब एक ही जाति के लोग बनाते हैं, तमाम जाति के लोग इसमें शराब में शामिल हैं। शराब संबंधी जो कानून जो सरकार 1 अप्रैल 2016 को जो लागू किया था, उसके बाद वो समय जो 5-7 साल जो बीता है उसके उपरांत सरकार यह समीक्षा कर रही है कि आम जनता में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या जो कानून बना है वह जनता के हित में है या क्या है, या इससे क्या नफा नुकसान क्या हो रहा है। आए दिन प्रायः या कुछ जनता के बीच से आवाज़ आती है कि अभी भी शराब मिल रहा है, या जो शराब पीने वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर सर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, हम बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं। कुछ लोग जो दुकानदार भाई थे उनकी एक अलग चल रही थी कि हमको जीविकोपार्जन का तो साधन था, वह दुकान बंद हो जाने से हमारे पास संकट आ गई है। तो ये सब जो विभिन्न तरह से जो सरकार के कानों में जो पहुंच रही थी, तो उसको समझने के लिए आम जनता के बीच में यह सरकार एक अध्ययन स्टडी करवा रही है। यही कहना है कि बहुत अच्छा करवा रही है। क्या आपका क्षेत्र में महुआ का जो अवैध शराब बनने की काम हो रही है, आपका क्षेत्र में शराब पर पाबंदी लगा है या नहीं? जी, पाबंदी लगा हुआ। इस शराबबंदी को लेकर आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा हो रहा है। शराब पीने से क्या क्या नुकसान होती थी? सर, शराब पीने से एक तो सेहत उनका खराब होता था पीने वाले का, और उनका परिवार भी सुरक्षित नहीं रहते थे, बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाते थे।